अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विषय में खुशामदीद। ये वीडियो कावच वेलफेयर ट्रस्ट और यूसुफ अली कैम ट्रस्ट के तामन से पेश की जा रही है। आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर का एरर फाइंड करना। एरर की वजह से वर्नियर कैलिपर से हम जो पैमाइश लेते हैं वो कम या ज्यादा हो सकती है। इसके लिए हम इसका एरर फाइंड करना सीखेंगे। एरर दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। चले हम शुरू करते हैं इस डायग्राम से। ऊपर आपको जीरो वाली लाइन नजर आ रही होगी, इसे हम कहेंगे मेन स्केल और नीचे वाली को कहेंगे वर्नियर स्केल। अब ये देखें, मेन स्केल के जीरो वाली लाइन वर्नियर स्केल के जीरो वाली लाइन को बिल्कुल कॉन्साइड कर रही है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है उसमें निल जीरो एरर है। अब हम किसी तरह इस तरफ चलते हैं। यहां पे हम देखते हैं ऊपर एक जीरो वाली लाइन है, नीचे ऊपर वाली जीरो वाली लाइन को कहेंगे हम मेन स्केल और नीचे वाली को कहेंगे वर्नियर स्केल। अब आपको नजर आ रहा होगा कि मेन स्केल की जो जीरो वाली लाइन है और वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन है ये एक दूसरे को कॉन्साइड नहीं कर रही। यहां से हमें यह तो पता चल गया कि वर्नियर कैलिपर में एरर मौजूद है। अब हम ये कौन सा एरर होगा, हम यहां पे चलते हैं। इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, यानी कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है मेन स्केल के जीरो के राइट जानब, राइट जानब होगा, कौन सा एरर होगा, इसे कहेंगे हम पॉजिटिव एरर कहेंगे हम इसे। दोबारा गौर कीजिएगा, इस डायग्राम में भी आपको बताया गया है कि मेन स्केल का जीरो आगे है और वर्नियर स्केल का जीरो राइट जानब है, तो ये एरर कौन सा होगा, पॉजिटिव एरर होगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन करना सीखते हैं, इसको कैलकुलेशन किस तरह करते हैं और मतलूबा रीडिंग हम किस तरह, करेक्ट रीडिंग किस तरह हासिल करते हैं। इस डायग्राम पर चलते हैं। ऊपर आपको मेन स्केल नजर आ रही होगी, नीचे वर्नियर स्केल नजर आ रही होगी। यहां पे हमने क्या करना है, यहां देखते ही हमें पता ये चल जाएगा कि इसमें पॉजिटिव एरर है। अब हमने देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ कॉन्साइड कर रही है, मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल ए आठ वाली लाइन ये यहां पे आपको मिलती हुई नजर आ रही होगी। यहां से लेकर यहां तक हमने टोटल दर्जों की तादाद काउंट कर लेनी है कितनी है। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं पॉजिटिव एरर जीरो एरर की तरफ। हमारे पास यहां से लेकर यहां तक हमारे पास दर्जों की तादाद बनी 16। इसको हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.8 मिलीमीटर के। नेक्स्ट हमने क्या करना है, करेक्ट रीडिंग फाइंड करनी है। किस तरह करेंगे, करेक्ट रीडिंग इक्वल टू टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग कौन सी होगी जो हम वर्नियर कैलिपर से लेंगे, वो हमारे पास फॉर एग्जांपल आती है 15.9। अब हमने क्या करना है, माइनस यहां पे हमने लिखनी है ये वाली वैल्यू कितनी है 0.8। इसको कैलकुलेट करेंगे, करेक्टेड रीडिंग हमारे पास आ जाएगी 15.1 मिलीमीटर। और सबसे जो अहम बात आपने याद रखनी है, पॉजिटिव एरर में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी डायमेंशन ज्यादा आ रही थी, क्योंकि ज्यादा आ रही थी हमने करेक्ट रीडिंग फाइंड करनी है इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह हम चलते हैं नेगेटिव एरर की तरफ कि नेगेटिव एरर किस तरह मालूम करते हैं। यहां पे आपको एक फिगर नजर आ रहा होगा डायग्राम कि यहां पे आप देखें ऊपर वाली जो जीरो वाली लाइन है कहेंगे हम मेन स्केल और नीचे वाली को कहेंगे वर्नियर स्केल। अब आप यहां पे नजर आ रहा होगा वर्नियर स्केल वाली लाइन मेन स्केल वाली लाइन से आगे की जानब है, तो ये कौन सा एरर होगा, इसे हम कहेंगे नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर। अब इसको हमने कैलकुलेट किस तरह करना है, इसी डायग्राम पर सीखने की कोशिश करते हैं। यहां पे हम देखते हैं मिसाल के तौर पर यहां पे हम जीरो यहां पे ले आते हैं, जैसे मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो आगे की जानब था, यहां पे जीरो हो गया। पॉजिटिव एरर की तरह हमने यहां पे देखना है वर्नियर स्केल का कौन सा दर्जा मेन स्केल के दर्जे के साथ बिल्कुल लाइन कॉन्साइड कर रही है, जोन सी लाइन कॉन्साइड कर रही होगी, इसी अमल के तहत यहां तक हम कैलकुलेट करेंगे, दर्जों की तादाद को मल्टीप्लाई करवा देंगे लीस्ट काउंट के साथ। उसके बाद हम करेक्ट रीडिंग फाइंड करने के लिए टोटल रीडिंग में यहां पे प्लस का साइन लगाएंगे, एड करेंगे,
उसकी वजह यह होगी कि नेगेटिव एरर में हम कम डायमेंशन हमारे पास आ रही थी, हम उसका एरर फाइंड करेंगे और एरर फाइंड करके हम उसमें जमा करेंगे। आप दोबारा गौर कीजिएगा, दोबारा दोहराता हूं, पॉजिटिव एरर में कैलकुलेशन में टोटल रीडिंग में माइनस करेंगे, नेगेटिव एरर में टोटल कैलकुलेशन जब आएगी टोटल रीडिंग में नेगेटिव के लिए हम ऐड करेंगे। उम्मीद है आपको वर्नियर कैलिपर का पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर फाइंड करना अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबा लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।